हाय, आई एम धीरज। और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि हम लोग बटन को कैसे इंटरफेस करते हैं आर्डिनो के साथ। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एलसीडी को इंटरफेस किया था। इस वाले में हम लोग एक बटन को इंटरफेस करेंगे। बटन को हम देखते हैं तो बटन में बेसिकली इसमें तीन टर्मिनल है, टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 एंड टर्मिनल 3। तो बेसिकली कॉमन टर्मिनल पे हमारे पास वो सप्लाई आएगी जिसके साथ ही बटन अभी शॉर्ट रहेगा। जैसे कि इस वाले केस में अभी ये दोनों पिन शॉर्ट हैं, तो यहाँ पे हमें यहाँ पे ग्राउंड लॉजिक मिलेगा। और 5 वोल्ट के लिए हम लोग अभी इसे डायरेक्टली यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं। कलर इसका रेड रख देते हैं हम लोग, और इसे हम ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, अब इसे कोड करने के लिए हम देखते हैं कि ये कौन सी पिन से कनेक्टेड है। तो इसको हटा के अभी के लिए हम लोग एक एलईडी यूज़ करते हैं कि बटन काम कैसे कर रहा है देखने के लिए। तो हम लोग एक एलईडी ले लेते हैं। ओके, और एक रजिस्टर। तो कॉमन को हम इसके एनोड से कनेक्ट करते हैं, कैथोड कनेक्ट करते हैं हम एक रेजिस्टेंस है। दो पिन को हम लोग ग्राउंड कर देते हैं, इसको रन करके देखते हैं। ओके, तो जब ये वीसीसी से कनेक्टेड है कॉमन पिन, तो एलईडी हाई है और अदरवाइज एलईडी लो है। तो इसका मतलब ये है जो भी सप्लाई हमारे पास कॉमन पे आएगी वो डिपेंड करेगी कि हमारा जो स्विच है वो भी किससे शॉर्ट है। तो अभी के लिए हम इसे डिलीट कर देते हैं। अब हम इसे कनेक्ट करते हैं पिन नंबर 13 से। तो जैसे कि हमें पता है कि हम इसको एज ए इनपुट या एज ए आउटपुट यूज कर सकते हैं पिन नंबर 13 को, तो यहाँ पे हम लोग पिन नंबर 13 को एज ए इनपुट यूज करेंगे। उसके लिए हमारा कमांड है पिन मोड 13 कॉमा इनपुट। अब हम दिखाएंगे एलसीडी पे कि ये हाई है या लो है। तो इफ डेटा को रीड करने के लिए हमारे पास कमांड है डिजिटल रीड पिन नंबर 13 इक्वस इक्वस टू हाई। एलसीडी डॉट प्रिंट हाई एल्स एलसीडी डॉट प्रिंट लो। चेक करते हैं इसे हम लोग। लो हाई। ओके, एलसीडी को हमें क्लियर भी करना पड़ेगा। LCD डॉट क्लियर। तो बेसिकली एलसीडी क्लियर करने के बाद जो डेटा हमारे पास रह जाता है वो हट जाएगा। तो हम देखते हैं कैसे हमारे यहाँ पे एलसीडी हाई या लो होता है। अगर हमें यहाँ पे एक एलईडी भी यूज करनी है, तो हम लोग कोई पिन देख लेते हैं जो कि हमारे पास अभी एम्प्टी है। फॉर एग्जाम्पल पिन नंबर 10 हमारे पास एम्प्टी पिन है, तो हम लोग पिन नंबर 10 पे एक एलईडी को भी कनेक्ट कर सकते हैं, जो जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने बटन के थ्रू। तो हम इसको कनेक्ट कर देते हैं इस पिन से। ओके,
यहाँ पे हम लोग एलईडी कनेक्ट कर देते हैं। ग्राउंड को हम यहाँ से इसे कनेक्ट कर देते हैं। वायर आप ये चेंज कर लेंगे, राइट रेड एंड ब्लैक। अब हमारा जो पिन नंबर 10 है एज ए आउटपुट यूज होगा, तो हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं पिन मोड 10 कॉमा आउटपुट। यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं डिजिटल राइट 13 सॉरी 10 कॉमा हाई डिजिटल राइट 10 कॉमा लो। तब हमारा बटन के अकॉर्डिंग ही एलईडी कलर चेंज होगा, ऑन या ऑफ होगी। तो अभी हाई है, अब ये लो हो जाएगा, हाई एंड लो। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट है या कुछ भी इंक्वायरी है तो कमेंट बॉक्स में क्लिक कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।